नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिल्किस बानो रेप केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त हैरानी जताई जब उसे पता चला कि इस केस के दोषियों में से एक ने बरी होने के बाद गुजरात में वकालत शुरू कर दी है। कोर्ट ने पूछा कि क्या रेप जैसे गंभीर अपराध का कोई दोषी वकालत जैसा आदर्श पेशा अपना सकता है। दरअसल बेंच के सामने बताया गया कि एक दोषी राधेश्याम शाह वकील है। इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या रेप का सजायाफ्ता दोषी का वकालत करना उचित है। वहीं कोर्ट की इस टिप्पणी पर दोषियों के वकील ऋषि मल्होत्रा ने जवाब दिया कि सज़ा का मतलब सुधारना होता है। सज़ा काटने के दौरान शाह ने अच्छे सुधारात्मक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सराहना का प्रमाण पत्र भी हासिल किया। वह इस मामले में आरोपी होने से पहले भी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट मामले में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए वकील के तौर पर प्रैक्टिस करता था। इस पर कोर्ट ने तपाक से पूछा कि क्या शाह अभी भी वकालत कर रहा है। इसके जवाब में मल्होत्रा ने कहा हाँ, उसने फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या किसी गंभीर दोष में सजायाफ्ता को वकालत का लाइसेंस दिया जा सकता है, क्योंकि वकालत तो नोबल प्रोफेशन है। इस पर शाह के वकील ने जवाब दिया कि वैसे तो सांसद और जनप्रतिनिधि होना भी आदर्श होता है, लेकिन वे भी तो दोषी साबित होकर सज़ा काटते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं। इस पर जज ने कहा कि यहाँ विषय यह नहीं है, यहाँ बार काउंसिल को एक दोषी को लाइसेंस नहीं देना चाहिए था, वह एक दोषी है, इसमें कोई शक नहीं है। मल्होत्रा ने कहा कि उसने अपनी सज़ा पूरी कर ली थी। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि शाह ने अपनी सज़ा पूरी नहीं काटी थी, उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, सिर्फ उसकी सज़ा कम की गई है, ना कि दोष सिद्धि। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को लेकर की गई टिप्पणी पर राव के पोते एनवी सुभाष ने गुरुवार 24 अगस्त को पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने ही नेताओं को बदनाम कर रही है। दरअसल न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने बुधवार 23 अगस्त को आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सांप्रदायिक सोच वाले व्यक्ति थे। अय्यर ने राव को देश में बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री बताया। वहीं उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता और राव के पोते एनवी सुभाष ने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति अपने ही नेताओं की छवि खराब करने की है। पीवी नरसिम्हा राव को बदनाम करने के लिए ये किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। ये लोग ऐसा पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी अपने ही नेताओं की इज्जत नहीं करती, खासकर पीवी नरसिम्हा राव की, क्योंकि वो आर्थिक सुधार करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते थे। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि अय्यर ने मेरे दादा पीवी नरसिम्हा राव को बीजेपी का प्रधानमंत्री कहा, इसका स्वागत है, लेकिन उन्हें सांप्रदायिक बताना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के करीबी अय्यर ने कभी पीवी नरसिम्हा राव से उनके काम के बारे में सवाल करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब उन्होंने उनकी मृत्यु के 19 साल बाद उन्हें सांप्रदायिक बताकर उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कल 24 अगस्त को जोहान्सबर्ग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की। हालांकि दोनों नेताओं के बीच कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई, बल्कि दोनों नेता चलते चलते एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसे लेकर विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि ब्रिक्स से इतर पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की है। दोनों नेता अपने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र तनाव कम करने के प्रयासों को तेज करने के निर्देश देने पर सहमत हुए। उन्होंने बताया कि पीएम ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एलएसी पर अनसुलझे मुद्दों पर चिंताओं से अवगत कराया। पीएम ने इस दौरान कहा कि भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और एलएसी का सम्मान करना आवश्यक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय लद्दाख की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने कारगिल के पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचकर युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार होगी। उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए आगे कहा कि ऐसा मत सोचिए कि कांग्रेस बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस 2024 में बीजेपी को हरा देगी। इस बार दो राजनीतिक दलों के बीच एक साधारण नहीं बल्कि देश में संस्थानों को नष्ट करने की बीजेपी की नीति के कारण देश और इसके संस्थाओं को बचाने की लड़ाई होगी। राहुल गांधी ने बीजेपी पर मीडिया संस्थानों, नौकरशाही और न्यायपालिका को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर बराबरी का मौका मिला होता तो बीजेपी पिछला चुनाव भी नहीं जीत पाती। कांग्रेस नेता ने देश में अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि देश में अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं और यह बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है, जिसके खिलाफ मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी टक्कर देने के लिए मैदान में है।
इन हमलों के पीछे की राजनीति और मकसद देश के लोगों से धन छीनकर उनके अधिकार छीनना है। पूरे देश में लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने गुरुवार 24 अगस्त को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पर पार्टी की मीटिंग में शामिल ना होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा है, तब से वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर पार्टी की बैठकों में भाग नहीं ले रहे। आपको बता दें कि लल्लन सिंह का यह बयान जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट जारी होने के बाद आया, जिसमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को शामिल नहीं किया गया है। दरअसल जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन से एक दिन पहले पार्टी ने एक बैठक की थी, जिसमें हरिवंश को छोड़कर पार्टी के 100 सदस्य शामिल हुए थे। इस पर जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि हरिवंश को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उन्हें पद दिलाने के लिए अन्य क्षेत्रीय दलों से पैरवी की। जेडीयू प्रमुख ने बताया कि वह 9 अगस्त 2022 से पहले पार्टी की हर बैठक में शामिल होते थे। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि यह संभव है कि हरिवंश को किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने ही जेडीयू की मीटिंग में शामिल ना होने के लिए कहा हो। हालांकि उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उन्हें राज्यसभा का उपसभापति बनाने वाली बीजेपी नहीं थी। बीजेपी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था। वहीं इस बीच बिहार भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने बयान जारी कर लल्लन सिंह पर प्रधानमंत्री का नाम अनावश्यक रूप से घसीटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जेडीयू टूटने की कगार पर है, लेकिन लल्लन सिंह जैसे लोगों को कोई चिंता नहीं है। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि वह हरिवंश जैसे बड़े बुद्धिजीवी को इस तरह से अपमानित कर रहे हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने गुरुवार 24 अगस्त को भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है, जिसे लेकर बीजेपी और केंद्र पर लगातार हमला जारी है। इस बीच पहलवानों ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे दुख हुआ है। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि ये काला दिन है और ये सब ब्रजभूषण सिंह के कारण हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारतीय कुश्ती के लिए आज काला दिन है। ब्रजभूषण और उसके गुर्गों के कारण देश के पहलवान तिरंगे के साथ नहीं खेल पाएंगे। तिरंगा देश की शान है और हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह जीतने के बाद तिरंगे को मैदान में लेकर दौड़े। ये ब्रजभूषण और उसके आदमी देश का कितना नुकसान करेंगे। वहीं पहलवान बजरंग पूनिया ने कांग्रेस नेता और बॉक्सर विजेंद्र सिंह की पोस्ट शेयर की, जिसमें विजेंद्र सिंह ने लिखा है कि आज का दिन भारतीय कुश्ती के लिए दुख भरा दिन है। दरअसल WFI के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच चल रही है। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट सहित कई खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि सिंह ने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया। खिलाड़ियों ने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज की। इस पूरे मामले को लेकर जाँच जारी है। प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों की प्रदर्शन के दौरान लगातार ये मांग रही है कि सिंह को उनके पद से हटाया जाए। वह यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 28 अप्रैल को चेतावनी दी थी कि अगर 45 दिनों में चुनाव नहीं कराया गया तो WFI को निलंबित कर सकते हैं। इसको देखते हुए WFI के चुनाव 7 मई को कराने का निर्णय लिया गया, लेकिन इसे खेल मंत्रालय ने अमान्य करार दे दिया। इसके बाद 11 जुलाई की तारीख तय की गई, लेकिन असम कुश्ती संघ गुवाहाटी हाईकोर्ट चला गया और कोर्ट ने इलेक्शन पर रोक लगा दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा WFI को निलंबित किए जाने पर लंदन ओलंपिक 2012 के कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने PTI से बात करते हुए कहा कि भारतीयों के लिए यह दुखद खबर है और विशेषकर पहलवानों के लिए। पिछले 6-7 महीनों से कुश्ती बदनाम ही हुई है, भले ही यह ट्रायल्स हो या फिर शोषण का मामला हो। उन्होंने कहा कि जब आप WFI के निलंबन की बात करते हो तो हमें देखना होगा कि एशियाई खेल और विश्व चैंपियनशिप बस कुछ एक दिन दूर हैं। हमारे पहलवान वहां जीत भी जाएं तो हमारे देश को इसका नुकसान होगा, क्योंकि कोटा किसी और देश को चला जाएगा, यह बड़ा नुकसान होगा। योगेश्वर दत्त ने कहा कि आज पहलवान जिस दुविधा का सामना कर रहे हैं, इससे उनकी ट्रेनिंग प्रभावित होगी और वे ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। पहलवान भविष्य को लेकर तनाव में हैं कि उनका क्या होगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।